अपने जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बात न निकले। इपीसीओ 429, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो और उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मत्ती 6:13, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की सोच करो कि उससे ये सब कुछ भी तुम्हें मिल जाएगी। आप